नमस्कार दोस्तों, अपडेटेड कार फीचर में आपका स्वागत है। आज फिर हम आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो जैसे कि दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी का पूरा ओवरव्यू दिखाया था, और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्च्यूनर का लेजेंडर वर्जन जो होता है, उसमें क्या आपको एडिशनल मिलता है, क्या डायमेंशन रहने वाले होते हैं, और क्या क्या आपको सेफ्टी के पर्पज से आपको सेफ्टी फीचर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के हेडलैम्प से, तो आप देख सकते हैं लेजेंडर में आपको यहाँ पे सिग्नेचर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि जो फोग लैंप है, फोग लैंप के ऊपर भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की क्रोम नज़र आने वाली है, और साथ ही आप देखेंगे पार्किंग सेंसर भी आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं लेजेंडर से फॉर्च्यूनर में आपको क्या एडिशनल मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि लेजेंडर का जो एक लुक है वो आपको यहाँ पे बोल्ड लुक नज़र आ रहा है। यहाँ की आप फॉर्च्यूनर की बात करते हैं तो फॉर्च्यूनर में ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्च्यूनर में आपको सिंपल ग्रिल के साथ ही फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है, बट लेजेंडर में आप देखेंगे तो आपको एक स्पोर्टी लुक के साथ, ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे बोल्ड लुक नज़र आएगा टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो लेजेंडर का जो फ्रंट लुक है वो कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चाहे 4x2 अगर आप लेते हैं या 4x4 लेते हैं, तो लेजेंडर में आपको यहाँ पे 18 इंच के अलॉय ही देखने को मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील। यहाँ अगर फॉर्च्यूनर की बात करते हैं तो 4x2 में आपको 17 इंच मिलते हैं, और 4x4 में अगर जाते हैं तो आपको 4x4 में 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, बट लेजेंडर में ऐसा नहीं है। लेजेंडर में आप अगर 4x4 ले रहे हैं या 4x2 ले रहे हैं, आपको 18 इंच का अलॉय ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की साइड से, साइड में आप देख सकते हैं जो गाड़ी की रूफ़ है वो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन नज़र आने वाली है, रूफ़ यहाँ पे लेजेंडर में ब्लैक मिलने वाली है। बात करते हैं फॉर्च्यूनर में, तो फॉर्च्यूनर में ऐसा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर की जो रूफ़ होती है वो बॉडी कलर ही रहती है, जिसकी भी कलर की आपकी गाड़ी है उसी कलर की आपको रूफ़ मिलेगी, बट लेजेंडर में आपको यहाँ पर ड्यूल टोन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो लेजेंडर के अंदर रूफ़ मिलेगी वो आपको यहाँ पे टेपिंग के साथ मिलेगी, कंपनी टेपिड होती है ये, लेकिन इसमें यहाँ पे कलर पेंट नहीं होता, ये टेपिड होती है। और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की पावर से, तो पावर आप देख सकते हैं जो 4x2 लेजेंडर और 4x2 नॉर्मल फॉर्च्यूनर की जो पावर है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, 204 PH की यहाँ पे आपको पावर मिलने वाली है, और 500 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क मिलने वाला है, जो कि फॉर्च्यूनर और लेजेंडर के अंदर बिल्कुल सेम रहने वाला है। दोस्तों इसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेजेंडर में और फॉर्च्यूनर में आपको चारों ब्रेकिंग जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, ब्रेकिंग में आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर जो है, कीलेस एंट्री जो है वो भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम नज़र आएगी, इसमें भी आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलेगा। ORVM जो है उसके ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, साइड फुट स्टेप भी आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में आपको दोनों में सेम मिलेगा, इसमें भी आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की, ग्राउंड क्लियरेंस की, वो डायमेंशन बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेगी। अगर आप फॉर्च्यूनर परचेज कर रहे हैं या लेजेंडर परचेज कर रहे हैं, डायमेंशन बिल्कुल सेम रहेगी, डायमेंशन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के रियर प्रोफाइल से, तो रियर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का मिलेगा, और शार्क फिन एंटीना है वो भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ही मिलेगा। यहाँ पे अगर फॉर्च्यूनर पे जाते हैं तो फॉर्च्यूनर में आपको ये बॉडी कलर ही देखने को मिलता है। जो डिफोगर रहने वाला है वो डिफोगर भी आपको सेम मिलेगा, रियर वाइपर भी आपको सेम मिलेगा, जो टेल लाइट है वो भी आपको यहाँ पे सेम मिलेगी, बट जो आप देख सकते हैं टेल लाइट के जो क्रोम है वो यहाँ पे आपको ब्लैक शेड में देखने को मिलेगी। साथ ही आप बीच में देखेंगे कि जो फॉर्च्यूनर की जो बैजिंग आती है नॉर्मल फॉर्च्यूनर में, वो यहाँ पे आपको क्रोम के साथ देखने को मिलती है, बट लेजेंडर में आपको यहाँ पे ब्लैक शेड में देखने को मिलेगी। सिग्मा 4 का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको फॉर्च्यूनर में भी सेम मिलेगा। और रियर रिफ्लेक्टर में आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर के साथ में आपको पार्किंग सेंसर, और साइड में आप देखेंगे कि ब्लैक कलर की पट्टी भी आपको देखने को मिलेगी। रियर अंडरन जो है वो भी आपको ब्लैक कलर का नज़र आएगा, मतलब पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पे आपको ब्लैक शेड में नज़र आएगी, क्योंकि जो लेजेंडर का एक थीम जो बनाई गई है वो ड्यूल टोन ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें आपको जो रूफ़ है या फिर कोई ब्लैक कलर की क्रोम है या फिर ब्लैक कलर की पट्टी है, वो पूरा का पूरा पैटर्न आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से, तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्च्यूनर में आपको यहाँ पे ब्लैक इंटीरियर और चौमाइस इंटीरियर का ऑप्शन मिलता है, बट लेजेंडर में आपको यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है।
लेजेंडर में आपको ओनली मैरून कलर का इंटीरियर मिलता है जो कि आपको डुअल टोन में मिलेगा। ब्लैक एंड मैरून कलर में आपको ही लेजेंडर के अंदर ऑप्शन मिलेगा। 4x2 और 4x4 में आपको ये दोनों सेम इंटीरियर मिलने वाला है दोस्तों। और इंटीरियर में और चेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रहेगा। एम्बियन लाइट आपको देख सकते हैं, लेजेंडर में आपको एम्बियन लाइट भी मिल जाएगी बट फॉर्च्यूनर में एम्बियन लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। और बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग की, तो वायरलेस चार्जिंग भी आपको यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि फॉर्च्यूनर में आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता है। और इसी के साथ आप दोस्तों देख सकते हैं जो फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर के अंदर आप मैनुअल ऑप्शन भी ले सकते हैं बट लेजेंडर में ऐसा नहीं है, क्योंकि लेजेंडर में अगर आप जाएंगे तो आपको नॉर्मल 4x2 हो या 4x4 हो आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं फॉर्च्यूनर में, तो फॉर्च्यूनर में आप दोनों ऑप्शन ले सकते हो। बाकी जो ऑलमोस्ट आप फीचर देख सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सेम रहने वालेंगे फॉर्च्यूनर और लेजेंडर के अंदर, आपको यहाँ पे सेम मिलने वाला है। पुश बटन स्टार्ट, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, MID कंट्रोल जो है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे सेम मिलने वाली है। और बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर आप देख सकते हैं ड्यूल टोन इंटीरियर मिलेगा आपको, मैरून प्लस ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलने वाला है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो लेजेंडर है, लेजेंडर गाड़ी आपको ओनली ऑटोमेटिक में मिलेगी। ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको 8-way मिलेगा जो कि फॉर्च्यूनर में भी सेम मिलता है और लेजेंडर में भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई गाड़ी में चेंज नहीं है दोस्तों। और बात करते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, तो रियर सीट पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो रियर सीट है वो डायमेंशन बिल्कुल सेम रहेगा। इंटीरियर मैं बताता हूँ, जो सेम यहाँ पे मैरून प्लस ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे रियर में कोई चेंज नहीं है। रियर डोर पे आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो कि फॉर्च्यूनर के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन किसी भी मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा बट लेजेंडर में आपको 4x2 या 4x4 में दोनों में आपको एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी साइड प्रोफाइल से भी एक स्पोर्टी लुक में नज़र आ रही है। तो बात करते हैं फॉर्च्यूनर और लेजेंडर से, तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लेजेंडर का जो लुक है वो आपको यहाँ पे एडिशनल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।